राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय धर्मसाल महंता की जमा दो की छात्रा अंकिता गुलेरिया ने कॉमर्स संकाय की मेरिट लिस्ट में छड़ा स्थान हासिल करके अपने स्कूल, अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मंगलवार को स्कूल के छात्रों और स्कूल के स्टाफ ने अंकिता का जोरदार स्वागत किया और प्रधानाचार्य ने इस खुशी के अवसर पर अंकिता का मुंह मीठा करवाया। इसके बाद स्कूल स्टाफ की तरफ से अंकिता को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। अंकिता की इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्रिंसिपल अरुणा रानी ने अंकिता, उसके माता पिता और अध्यापकों को बधाई देते हुए विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को अंकिता से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। अंकिता चिंतपूर्णी के बदमाणा गांव की रहने वाली है। उसके पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। अंकिता से संपर्क करने पर अंकिता ने इस सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों और माता पिता को दिया है। अंकिता गुलेरिया जो हमारे स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय धर्मसाल मानता की स्टूडेंट है, प्लस टू में इसका जो जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम इसके मार्क्स जो थे वो रिवैल्यूएशन वाले नहीं चढ़े थे, इसलिए इस मेरिट में इसका उस टाइम नाम नहीं आया था। लेकिन हमारी जो फैकल्टी है, इनकी कड़ी मेहनत के बाद जब इन्होंने बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने जो है इसको अपडेट करके जो है जब मार्क्स इसके अपडेट किए तो इसके मार्क्स बने 481, जो सिक्स पोजीशन में आती है। लेकिन पहले जो इसमें पोजीशन रिफ्लेक्ट हो रही थी इसकी, वो 12th पोजीशन आ रही थी, इसलिए हमें थोड़ा सा जितनी हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी उसके हिसाब से हमें कम लग रहा था। लेकिन बाद में जब इसका रिजल्ट अपडेट किया गया तो पोजीशन देख के हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और इसके लिए जो है वो फैकल्टी के मेंबर्स, खासकर हमारे मीनाक्षी मैडम, राकेश जी, प्राशर जी और इंग्लिश के टीचर्स, हेल्थ केयर, निधि कौशल, इन सब की मेहनत है जो ये बच्ची जो है वो हमारी, जिसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं इसके माता पिता और सबको बधाई देती हूँ, हमारे बाकी स्टाफ मेंबर्स को भी बधाई देती हूँ, जिन इसी की वजह से, इसी बच्चे की वजह से जो है वो हमारे स्कूल का नाम जो है वो रोशन हुआ है और आज स्टेट में जो है वो कहीं भी दिख रहा है तो हमारे स्कूल का नाम दिख रहा है। और हम भी अपने आप को जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस बच्ची की वजह से जो है वो हमारे स्कूल का नाम रोशन हुआ है। और इसके लिए मैं आगे फ्यूचर के लिए भी इसको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जो इसकी इच्छा है सीए बनने की वो ज़रूर पूरी होगी, जितनी ये मेहनत करती है उसके हिसाब से बहुत आगे बढ़ेगी। अंकिता जी, आप पूरे प्रदेश भर में छठे नंबर पर आए हैं मेरिट स्थान में, तो किस तरह से लग रहा है आपको, किस तरह से खुशी हो रही है? मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत खुशी हो रही है। तो अपनी सफलता का आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, टीचर्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस स्थान पर खड़ी हूँ, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आगे चलकर आप किस तरह से अपने कैरियर को देखते हैं? आगे चलकर मैं तो सीए करना चाहती हूँ, सीए करना चाहती हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।